सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज है 30 दिसंबर और अभी बज रहे शाम के 4:30 लगभग। और अभी हम लोग थोड़ा सा घर के आसपास ही जाएंगे अपने KTM लेके राइड पे। ये है मेरा भाई और ये काफ़ी टाइम से जिद कर रहा है KTM चलाने के लिए। ये थोड़ा सा स्प्लेंडर और रॉयल इनफील्ड तो चला चुका है पहले, लेकिन मुझे पता नहीं कि KTM चला पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी है और हैंडल भी थोड़ा टाइट है। तो देखते चला पाता है या नहीं, क्या लगता है, चला लोगे? तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग ब्लॉग पे बने रहे। तो ये है मेरा और एक भाई, ठीक है, ये अभी कर रहा है KTM को थोड़ा साफ, और ये भी जाएगा। हम लोग तीनों जाएंगे क्योंकि घर के थोड़ा पास ही जा रहे हैं, तो तीनों चल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। और हमारा इस साइड का क्रॉस गार्ड भी जो है लूज़ हो चुका है, इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। इधर ये इधर रहेगा, क्योंकि ऐसे रहने से दोनों सामने से देखने को अच्छा नहीं लगता। अब देखोगे तो इधर देखिए, वो जो ज़्यादा पीछे चला गया, ये आगे है, तो इसको थोड़ा सा बाद में हम लोग करेंगे टाइट। अभी तो निकलते नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। अभी अपना बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी ठंडा भी है। फाइनली अभी लोकेशन पे आ चुके हैं और यहीं पे ट्राई करेगा ये। पीछे पे मैं भी बैठूंगा क्योंकि अकेला मैं छोड़ूंगा ना इसको, तो पीछे पे बैठते हैं और देखते हैं चला पाता है या नहीं। फाइनली ये राइड कर पा रहा है और सही तरीके से कर रहा है, लेकिन सिर्फ थोड़ा क्लच में ही दिक्कत है, बाकी ऐसे तो सही राइड कर रहा है। हैंडलिंग वगैरह भी अच्छा ही है इसका। तो अभी ये टर्न कर रहा है, टर्निंग में थोड़ा सा इसको इशू आ रहा है। चलो क्लच क्लच हल्का हल्का छोड़ो, पूरा मत छोड़ो। हाँ पूरा मत छोड़ो, पूरा मत छोड़ो। हाँ चलो काफ़ी अच्छे से हुए चला रहा है, अभी ले लेंगे और ज़्यादा नहीं। तो भाई का राइड तो हो चुका है, अभी उसको घर भेज दिए दोनों को, और अभी आए थोड़ा दोस्त लोगों के पास, और अभी हम लोग थोड़ा दोस्त लोग निकलेंगे राइड पे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसपास ही जाएंगे, तो बने रहे। और एक दोस्त फिर से आ चुका है, ये लोग बाद में आया, सब लोग लेट करके आता है, आदमी लोग अच्छा नहीं है। तो अभी रुके हैं हाईवे का पास में, क्योंकि और दो दोस्त अभी दूर में थोड़ा है, वो लोग शायद रुका है या फिर आ रहा है, वो लोग आएगा फिर निकलेंगे। सामने एक पेट्रोल पंप भी है, लेकिन पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे एक है, आपको दिख रहा है, एक सेल है और नीचे छोटा छोटा दो सेल है, ये काफ़ी टाइम सर्वाइव कर जाएगा। तो अभी हम लोग पेट्रोल नहीं भरेंगे, थोड़ा निकलते सीधा सामने की तरफ। तो अभी बाइक चलाते चलाते एक ऐसा जगह पे हम लोग आ गए हैं, और ये प्लेस जो है ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस में से एक है, और मैं एक दिन आऊँगा, दूसरे दिन तो आप लोगों को बताऊँगा क्यों फेवरेट है और क्यों मैं आता हूँ कभी कभी इधर। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग चार लोग हैं और भी दोस्त लोग हैं, तो वो लोग अभी नहीं आए क्योंकि ठंड जो है काफ़ी तेज़ है, और थोड़ा सा हम लोग निकल चुके हैं। अभी थोड़ा सामने जाके थोड़ा चाय पियेंगे, एक दुकान है, ठीक है, वहाँ पर एक चाय बहुत अच्छा चाय बनाता है, तो चाय पीने के लिए इतना तेल जो है हम जला दिए हैं, चाय पियेंगे उसके बाद घर के तरफ चलेंगे। अभी अंधेरा हो चुका है इधर, तो इधर तो आपको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, दूसरे दिन आएंगे उस टाइम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए गाइस क्या मिला हमें रास्ते में, देखिए इतना छोटा सा पप्पी हमें मिल चुका है रास्ते में, लेकिन इसको क्या करें, अभी देख सकते हैं बहुत छोटा है, इससे क्यूट ये है, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2-3 दिन हुआ होगा, इतना मस्त लग रहा है। कैसा है चाय का टेस्ट? बहुत अच्छा, बांग्ला ही बोल रहा हूँ, अच्छा होता है, पास्ता बोल। तो गाइस तब शाम हो चुका था और मेरा मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो गया था, इसलिए ब्लॉग का एंड पार्ट मैं शूट नहीं कर पाया, इसलिए अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी हाल फिलहाल स्टूडियो पे बैठ के हूँ, यहाँ पे ही मैं अपना काम वगैरह करता हूँ मेन चैनल का, और जो भी काम मुझे रहता है सब यहीं पे करता हूँ। तो मैं पूछता हूँ मेरे भाई से कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको फर्स्ट टाइम KTM चला के, तो बोलो कैसा लगा KTM चला के? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा,
KTM चला के, और उसका जो पिकअप मतलब पकड़ता है ना जल्दी, इतना मस्त लगता है वही चीज। और इसने तो रॉयल एनफील्ड भी चलाया, तो पूछते हैं रॉयल एनफील्ड अच्छा लगा या KTM ज्यादा? रॉयल एनफील्ड तो उसका जगह अच्छा है और KTM अपना जगह अच्छा है। आंसर देख लो गाइस। तो फिर भी मतलब KTM चला के मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि KTM तो KTM है भाई साहब, हैशटैग KTM लवर। और इधर जो है मेरा और एक भाई है, तो ये नहीं चलाया क्योंकि इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी कम मिल रहा है। ये स्प्लेंडर चलाया है लेकिन KTM अभी नहीं चलाया, इसका गियर फंक्शन अलग होता है तो उसको अभी थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद ये चला पाएगा। और इसने चला लिया क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड चलाया, तो रॉयल एनफील्ड और KTM का गियर फंक्शन सेम ही है, तो इसीलिए ये चला पाया। तो ओवरऑल ये था आज का हम नॉर्मल सा एक व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो क्या करना है, एक लाइक जरूर कर दीजिए चैनल पे, आप अगर इस नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पेन कर देता हूँ, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।